तो आप भी इस तरह की डेविल आर्ट, डेविल कॉन्सेप्ट एडिटिंग करना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो फ़ोटो है उसको मतलब ब्लैक एंड वाइट टोन करना होगा। तो उसके लिए आपको पिकार्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो को ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाना है और आपको ब्राइटनेस हल्की बढ़ा देनी है और जो सैचुरेशन है उसको बिल्कुल कम कर देना है। इससे आपकी फ़ोटो एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं फ़िल्टर से, पर इससे थोड़ी सही होगी। जिस साइड जिस टाइप की आपको चाहिए तो उस टाइप की एडिटिंग हो जाएगी इससे। आपको अगर बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती है, जीरो लेवल एडिटिंग, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है कि जो फ़ोटो बैकग्राउंड कर ली है उसको, वो सॉल्यूशन हम बाद में बताएंगे। अब आपने फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट कर लेनी है, उसके बाद आपको पिकार्ट में मतलब नेट ऑन करके और आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना होगा मतलब डेविल हॉर्न, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद इसमें आपको देख लेने जो भी आपको लगाने हैं, वैसे अगर आप ये रेड वाले जो मतलब ग्लो कर रहे हैं वो अगर आप लगाएंगे तो उसमें सही रहेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, जो भी सही लगे वो वाले आपको लगा लेने हैं। और इसके बाद आपको एडजस्ट करना है मतलब कि जैसा भी आपका जिस साइड फेस हो और जिस टाइप मतलब जैसा भी हो तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि ये क्या है, थोड़ा तिरछा था फेस, तो अपन ने यहाँ पे लगा लिया। और फिर उसके बाद कैपेसिटी आपको मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है कि मतलब वो मतलब एकदम चमक, मतलब कैपेसिटी अपने हिसाब से कर लेनी है। इसके बाद आपको सर्च करना है नेट, तो नेट करेंगे तो क्या होगा, स्पाइडर का जो होता है जाल, उसको नेट वेट, तो उसी टाइप के आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको देख लेना है जो भी आपको लगाना है। वैसे ये वाला है वो अपन लगाएंगे, ये वाला, इसको पिकार्ट में ऑटोमेटिक आ जाता है। और इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करके पूरी फ़ोटो में कर देना है। उसके बाद इरेज करके को बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड में होता है उसमें हो जाएगा उतने में, और आपके फेस से नहीं आएगा। और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है कि मतलब जो शर्ट है उसमें आ गया है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या करना है कि जो मतलब कि शर्ट वर्ट है वहाँ से इरेज कर लेना है आपको नेट को, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो मतलब नेट है उसको एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ा ब्लर भी करेंगे तो वो भी हम करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी जीरो लेवल एडिटिंग आती है तो आप इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो है वो हमें वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और आपको एडिट करके दे दी जाएगी। उसके लिए आपको फॉलो करना होगा और अच्छी सी फ़ोटो आपको सेंड करनी होगी। तो क्या करना है कि जो मतलब ऊपर हॉर्न्स हैं, हॉर्न, तो इनको आपने इरेज कर लेने हैं क्योंकि ये नेट में बाहर दिखना चाहिए, नेट के बाहर। और अब उसके बाद ब्लर पे जाके आपको इसके बाद आपको फोकल ब्लर है उस पे जाके इसको वो कर लेना है एडजस्ट अपने हिसाब से। ज़्यादा मतलब ज़्यादा ब्लर भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, तो एक नॉर्मल अपने हिसाब से आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो इरेज पर्सन मतलब लिखा है वहाँ पे बैकग्राउंड में कर लेना है। और इसके बाद आपने एडजस्ट कर लेना है कि जैसे हॉर्न है हॉर्न, तो इसको इरेज कर लेना है, इस पर ब्लर नहीं करना है अपन को। और बाकी की जो नेट है और जो बाकी का बैकग्राउंड है तो इस पर आपको वो कर लेना है इरेज, और अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से मतलब कर लें। क्या होता है कभी कभी फेस पे या फिर और कहीं आ जाता है ब्लर, तो आप एडजस्ट करके देख लें कि मतलब बैकग्राउंड पे ही आया है और कहीं तो नहीं आया है। और तो अपने अकॉर्डिंग कर लें, जैसे कि इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं इनवर्ट में क्या होता है कि जिस मतलब उल्टा हो जाता है, जहाँ पे अपन को ब्लर करना है वहाँ पे खाली हो जाता है, और जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे ब्लर हो जाता है। तो इनवर्ट करके देख लें, बस आपकी फ़ोटो रेडी हो गई है। अब इसके बाद आपको थोड़ा और जाना है
एडजस्टमेंट पे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। क्लियरिटी बढ़ा देनी है, वो जो थोड़ी ब्राइटनेस घटा देनी है, क्योंकि जो ये वाली फ़ोटो है वो कम ब्राइटनेस में ही अच्छी लगती है, और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना है अपने हिसाब से एडजस्ट। और ये फ़ोटो आपकी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको जो पिकार्ड में पहले वो कर लेना है ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर, फिर उसके बाद आपको डेविल हॉर्न्स सर्च करके अप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद स्पाइडर नेट या फिर नेट करके, और बस आपकी ये फ़ोटो ऐसे ही होगी, वो ऐसे आपके डेविल कॉन्सेप्ट डेविल टाइप की हो जाएगी एडिट, उसको सेव कर लेना है। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।